नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा। कार्यक्रम में बात छत्तीसगढ़ की, जहां कोरोना से थोड़ी राहत तो मिली है लेकिन अब ब्लैक फंगस ने आफत बढ़ा दी है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में ब्लैक फंगस के मरीज मिल चुके हैं। आज चर्चा इसी मसले पर, छत्तीसगढ़ में पैर पसारते ब्लैक फंगस को रोकने की आखिर सरकार की कितनी तैयारी, क्या ब्लैक फंगस के लिए जरूरी दवाओं का स्टॉक पर्याप्त है, इंजेक्शन और दवाओं की किल्लत दूर करने की आखिर क्या व्यवस्था है और अगर केस बड़े तो मौजूदा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए पर्याप्त है कि नहीं। इस मसले पर बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी होगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस रिपोर्ट पे नजर डालते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर का कहर बेशक कम हो गया हो, लेकिन अब पैर पसारता ब्लैक फंगस चिंता बढ़ा रहा है। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में कोरोना के बाद ब्लैक फंगस का प्रकोप बढ़ा। छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस के 286 से ज्यादा मरीज, अब तक 33 लोगों की ब्लैक फंगस से मौत। इनमें से 19 ऐसे थे जिन्हें और कोई भी बीमारी नहीं थी। ब्लैक फंगस के 23 से ज्यादा मरीज डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। ब्लैक फंगस के सबसे ज्यादा मरीजों का इलाज रायपुर के एम्स में चल रहा है। छत्तीसगढ़ में 10 मई से ब्लैक फंगस के मरीज मिलने शुरू हुए। केंद्र ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले ब्लैक फंगस के लक्षण क्या है, इस पर भी नजर डालते हैं। सिर दर्द, नाक बंद, उल्टी बुखार, चेस्ट पेन होना, साइनस होना, चेहरे का एक तरफ सूजना, मुंह या नाक पर काले घाव होना, ये सभी ब्लैक फंगस के लक्षण हो सकते हैं। ये एक कड़वा सच है कि कोरोना काल में इससे निपटने में चाहे आम लोग हो या शासन प्रशासन, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक तो हुई है। हालांकि उसे कंट्रोल करने के लिए सरकार ने दिन रात एक भी किया। ऐसे में अब उन गलतियों से सीखते हुए ये जरूरी है कि ब्लैक फंगस से निपटने के लिए अभी से ही कोई ठोस योजना बना ली जाए, ताकि स्थिति अचानक में आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। लिहाजा इसे लेकर चंद सवाल भी हैं। मसलन, सीजी में पैर पसारते ब्लैक फंगस को रोकने की कितनी तैयारी, क्या ब्लैक फंगस के लिए जरूरी दवाओं का स्टॉक है, इंजेक्शन और दवाओं की किल्लत दूर करने की क्या व्यवस्था है, अगर केस बढ़े तो मौजूदा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए पर्याप्त है। रायपुर से आदित्य नामदेव के साथ टीम न्यूज स्टेट। चलिए, तो ब्लैक फंगस को लेकर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर छत्तीसगढ़ कितना तैयार है इसके लिए। डॉक्टर आर के पाठक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, VP MIA के। बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। इसके साथ ही बीजेपी की तरफ से पक्ष रखने के लिए राजीव चक्रवर्ती हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हैं। बहुत स्वागत है राजीव जी आपका भी। विकास दुबे जी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। विकास जी, सबसे पहले डॉक्टर आर के पाठक जी आपके पास आना चाहूंगी। ब्लैक फंगस के मरीज छत्तीसगढ़ में लगातार मिलते जा रहे हैं, हालांकि इसको पहले से ही बताया गया था कि ब्लैक फंगस नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, तो ज्यादा चिंता की बात नहीं है। लेकिन चिंता इसलिए उठती है सर कि अब जिनको कोरोना भी नहीं है, पहले तो ये था कि कोरोना से जो हाल ही में रिकवर हो रहे थे उनको ब्लैक फंगस हो रहा था, लेकिन 19 ऐसे मरीज जिनको कोई बीमारी नहीं और उसके बाद उन्हें ब्लैक फंगस हो गया, आखिर क्या वजह हो सकती है? देखिए करिश्मा जी, जैसा कि अभी आपने अपनी रिपोर्ट में बताया जी कि इसके बहुत सारे सिम्टम होते हैं और वो सिम्टम यदि किसी भी मरीज को दिखते हैं तो अपन ये बोल सकते हैं कि भाई उसको कोरोना की उसको म्यूकर माइकोसिस या ब्लैक फंगस होने की संभावना है। टेक्निकली या अपन वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ये जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होते हैं। यदि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम है, तो वो चाहे वो डायबिटिक नहीं हो या कुछ और हो या किसी भी कारण से उसका यदि इम्यून सिस्टम कमजोर है तो निश्चित रूप से उसको कोई भी अपार्ट फ्रॉम द म्यूकर माइकोसिस, दूसरा कैंडिडा हो सकता है, एस्परजिलोसिस, बहुत सारे जो फंगल इन्फेक्शन है, केवल अपन साइनस की बात नहीं करें तो फंगल इन्फेक्शन बेसिकली है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता है। और डायबिटीज जिनको है, अनकंट्रोल्ड है, या जिनको कैंसर का इलाज चल रहा है, या जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, जिनका डायलिसिस होता है, तो इनकी इम्यूनिटी नेचुरली कम होती है, तो इनको कोरोना ये म्यूकर माइकोसिस होने की पूरी संभावना रहती है। तो जरा भी यदि कोई सिम्टम होते हैं तो आप अच्छे अपने डॉक्टर को दिखाएंगे, ENT एक्सपर्ट को, तो वो एंडोस्कोप डाल के या CT स्कैन करके आपको ये बता सकता है कि म्यूकर माइकोसिस आपको है कि नहीं है। ठीक है, तो इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, हमको अपनी तैयारियों पर ध्यान देना होगा
कि भाई शासन के पास में हमारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बिकॉज इसका जो इलाज होता है, एक तो यदि वो ज्यादा इन्वॉल्व हो गया है तो सर्जिकल डिब्राइडमेंट होता है कि हम उस अंग को वहां से फंगस को पूरा क्लियरेंस करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिब्राइडमेंट, तो हम उसको निकालते हैं वहां से। यदि नाक के अंदर केवल साइनेसिस में तो एंडोस्कोप के माध्यम से निकाला जा सकता है। हाँ, आंख पर आंख तक पहुंच गया है तो टीम ऑफ डॉक्टर्स चाहिए, कि ईएनटी वाला भी चाहिए, आई सर्जन भी चाहिए हमको, हमको यदि ब्रेन की तरफ जा रहा है तो न्यूरो सर्जन भी चाहिए, तो एक टीम ऑफ डॉक्टर्स को हमको तैयारी करना चाहिए। और जैसा कि आपने बताया कि एम्स में अभी अच्छा, और हमारे पास में छत्तीसगढ़ में बड़े योग्य ईएनटी सर्जन हैं, योग्य ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आपको केवल यह होना है, अलर्ट होना है, सामान्य रूप से नाक बह रही हो तो आप बोले कि नहीं साहब इसमें ऐसा है। बहुत सारे हम लोग पेशेंट देख रहे हैं कोविड के, पोस्ट कोविड में जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनको दहशत ज्यादा है, वो मतलब उनको भय से बाहर आने की जरूरत है। कई बार मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ते हैं कि साहब कोविड के बाद ये हो रहा है। म्यूकर माइकोसिस पहले से होता रहा है बट ये बहुत कम होता रहा है। अभी हमने वर्तमान में देखा है कि पोस्ट कोविड में निश्चित रूप से ये बढ़ा है और इसके कई कारण है जैसा कि रिपोर्ट्स में देखा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर, मैं और सवालों के साथ लौटूंगी आपके पास, आप बने रहे हमारे साथ। विकास दुबे जी, आपके पास आना चाहूंगी। विकास जी, क्या तैयारियां हैं सरकार की तरफ से? ऐसा तो नहीं कि आप जो कोरोना में जैसे हालात बने छत्तीसगढ़ के, वैसे ही हालात हम ब्लैक फंगस में भी देखें, तैयारियां बताएं। करिश्मा जी, छत्तीसगढ़ सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है सारे स्वास्थ्य केंद्रों को, जितने भी डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल है, उनको पल पल पे नजर रखी जा रही है कि ब्लैक फंगस के कितने पेशेंट आ रहे हैं, उनके लक्षण क्या क्या हैं, और कितने लोगों पे लक्षण आ रहे हैं लेकिन ब्लैक फंगस नहीं है, उसके परिणाम क्या आ रहे हैं, उन आंकड़ों को इकट्ठा किया जा रहा है। और उसके साथ साथ जितने भी मेडिकल स्टोर वाले हैं, जो स्टॉकिस्ट हैं, उनको संबंधित दवाओं को पहले से स्टॉक में रखने के निर्देश दे दिए गए हैं। जी सर, अलर्ट तो कोरोना के टाइम पे भी जारी किया गया था लेकिन उसके बावजूद छत्तीसगढ़ के हालात हमने देखे, क्या हम ये माने कि अति आत्मविश्वास, क्योंकि अब तो अनलॉक की भी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, एम्फोटेरिसिन भी अगर एक इंजेक्शन उसमें काम आ रहा है वो पर्याप्त स्टॉक में नहीं है, ऐसे में क्या ये पर्याप्त मात्रा में है आपके पास? देखिए, जो भी कमियां रही हैं उसको सुधारते हुए आगे की तैयारियां पहले से कर ली गई हैं, जैसे कि कोरोना को लेकर भी जैसे कहा जा रहा है कि बच्चों पे अभी आने वाला है तो जितने भी चाइल्ड हॉस्पिटल हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उनको भी सतर्क कर दिया गया है। रही बात दवाइयों की ब्लैक फंगस के लिए, उसके लिए भी पूर्णतः तैयारी कर ली गई है और आगे जो जो कमियां उनको दूर किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आप बने रहे हमारे साथ। राजीव चक्रवर्ती जी भी हैं हमारे साथ बीजेपी की तरफ से। राजीव चक्रवर्ती जी, आप अपना क्या पक्ष रखेंगे ये बताएं। देखिए, जो कोरोना की भयावहता थी, जो दूसरी लहर थी, उसमें बोलने में कोई संकोच नहीं है। यह सच्चाई है कि सरकार, राज्य शासन, छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरह फेल थी। पहली बात की जब कोरोना की दूसरी लहर शुरू हुई थी, यहाँ की सरकार ने सौहार्द क्रिकेट मैच करवाया, उस क्रिकेट मैच में 50,000 लोगों की आमद हुई और लोगों की चेतावनी के बावजूद भी 50,000 लोग आए। उस बाद तुहर सरकार, तुहर द्वार का एक कार्यक्रम रखी जिसमें 10,000 लोग आए। महिला बाल विकास द्वारा सार्वजनिक विवाह का कार्यक्रम किया गया, तो सरकार अपने प्रोपोगंडा में व्यस्त रही और लोग संक्रमण में, रायपुर की स्थिति थी कि ना ऑक्सीजन बेड मिल रहे थे, ना कोई बेड मिल रहा था और बहुत भयावह स्थिति। क्योंकि मैं आपको बता दूं, पिछले 15 साल के सुशासन के बाद अभी जो 2.5 वर्ष का शासन था उसमें मुख्यमंत्री जी, बड़े दुख के साथ कहना पड़ा, और स्वास्थ्य मंत्री जी, इनके बीच की लड़ाई में छत्तीसगढ़ की जनता मामूली सी स्वास्थ्य सुविधा के लिए भी बहुत गई गुजरी स्थिति में थी। ना ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था थी और मेडिकल कॉलेज में लोग काम नहीं कर रहे थे, मेडिकल स्टाफ को टर्मिनेट कर दिया गया, जितनी संख्या में मेडिकल स्टाफ की जरूरत थी उनकी भी कमियां थी और वो कोविड में रहा सा कसर भी पूरा हो गया, पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था लचर हो गई। जो लोग इंश्योर्ड है उनकी तो इलाज हो गया, लेकिन जो लोग मध्यम वर्गीय, मध्यम वर्गीय की परिवार थी उनको अस्पतालों द्वारा सुनियोजित ढंग से लूटा गया। बाद में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई, वो नोडल अधिकारी किसी की नहीं सुनते थे, उनका मोबाइल बंद रहता था। मैंने इसके पहले भी आपके कार्यक्रम में चुनौती दी थी
कि 5 नोडल अधिकारी को स्टूडियो से फोन लगा लीजिए, कोई अगर एक उठा ले तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। वो मेरा आज भी वो चैलेंज बरकरार है। तो कोविड की दूसरी लहर में राज्य शासन फेल रही, और आज जो ब्लैक फंगस का जो दैत्य रूपी हमारे सामने, जैसे आपके लोकप्रिय चैनल से पता चल रहा है कि 19 लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई लक्षण नहीं, वो ग्रसित है बिल्कुल। तो जब यहाँ सर्दी खांसी मस्तिष्क ज्वर से लोग मर रहे हैं, कोविड की दूसरी लहर में बहुत निरीह लोगों की मृत्यु हुई है, परिवारों ने अपने नौजवानों को खो दिया है, तो ये बहुत अलर्ट रहने की आवश्यकता है। आपने बहुत अच्छा विषय रखा है कि पता नहीं इस राज्य में जहाँ मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के बीच में सत्ता का संघर्ष चल रहा है, जनता जाए तो कहाँ जाए। अरे ठीक है सर, कहाँ आ गए आप इस बातों पे। ठीक है, हम ब्लैक फंगस को लेके बात कर रहे हैं, राजनीति बाद में करते हैं इस पर। ठीक है, अब मामूली से कोविड में इलाज नहीं हो पाया जनता का, तो जनता कहाँ जाए। ठीक है, बस सवाल पूछ रही हूँ सर मैं राजीव जी से। हाँ हाँ ठीक है सर, मैं वही सवाल पूछ रही हूँ राजीव जी से। राजीव जी, 286 मरीज हैं छत्तीसगढ़ में अब तक, 33 लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़ा ये बताता है कि इतनी पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं है, यानी तो लोग जागरूक नहीं दिखाई दे रहे। अब तो आपने अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू कर दी और छत्तीसगढ़ पूरी तरीके से खुलने लग गया है। ठीक है, कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन क्या लगता है आपको, अब तो क्योंकि छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहाँ पे कोरोना के मामले सबसे ज्यादा थे और अभी भी देखिए कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, थोड़े बहुत कम हुए, लेकिन डेथ रेट तो बढ़ ही रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? करिश्मा जी, ये सवाल मुझसे है, मैं विकास जी, 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 जी विकास जी आपसे ये सवाल है, आपसे माफ कीजिएगा जी। सबसे पहले मैं अपने साथी नकारात्मक सोच के धनी राजीव जी से पूछना चाहूंगा कि आप छत्तीसगढ़ में रहे हैं, आज छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां पे कोरोना बिल्कुल नियंत्रण में है। बाकी राज्य भी हैं, किंतु बाकी जाति की तुलना में यहां पे डेथ रेट काफी कम हो चुका है, संक्रमण बिल्कुल ना के बराबर है। दूसरी बात, आप हर बार राजनीति बीच में ले आते हैं, आप या तो मुद्दे पे चर्चा कीजिए या आरोप लगा लीजिए। तीसरी बात, ब्लैक फंगस एक पुराना रोग है, पुराना संक्रमण है, उससे डरने की जरूरत नहीं है, जैसा कि डॉक्टर पाठक ने कहा। दूसरी बात, आप किसी बीमारी को दैत्य बोलकर भय का माहौल ना फैलाएं। फिर से कहता हूं कि यह पुरानी बीमारी है और उसका इलाज है। रही बात उसकी तैयारियों की, तो मैंने पहले भी आपके सवाल का जवाब दिया है करिश्मा जी, कि छत्तीसगढ़ सरकार इस बात पे लगातार नजर रख रही है कि यह संक्रमण कहां कहां फैल रहा है, कितने लोगों पे फैल रहा है, कितने की मृत्यु हो रही है, कितने पे लक्षण पाया गया और किन कारणों से पाया गया। क्या वह पहले से किसी बीमारी से संक्रमित थे या कोरोना से संक्रमित थे या सामान्य थे, इन आंकड़ों पे बराबर नजर रखी जा रही है और दवाइयों की व्यवस्था के लिए सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। और रही बात राजनीति की, तो ऐसी बातों पे अगर मैं कहता हूं कि अमित शाह जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी को हटाकर, और रही बात क्रिकेट की, तो ट्रंप के स्वागत के लिए और कोरोना के स्वागत के लिए नरेंद्र मोदी जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। भारत में आया कहां से कोरोना, क्या छत्तीसगढ़ से आया है कि वुहान से आया है? आखिर इसका भी जवाब दे दें अगर राजनीति की बात कर रहे हैं तो। हर बार एक ही मुद्दा, क्रिकेट। अरे भाई, आपने भारत में कोरोना लाया क्यों? और रही बात, यहां पर कोरोना फैला, बिल्कुल फैला, लेकिन नियंत्रण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई और आज इसका परिणाम है कि छत्तीसगढ़ बिल्कुल नियंत्रण में है और संक्रमण बिल्कुल शून्य की स्थिति में आता दिख रहा है। ठीक है, वैक्सीनेशन को लेकर सर क्या कहेंगे, क्योंकि वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी ज्यादा धीमी है छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो, उसको लेकर आप, क्योंकि बहुत जरूरी है कि लोगों को वैक्सीनेट करना ताकि दूसरी बीमारियों से भी लोग बचे रहें और खासकर कोरोना से। जी करिश्मा जी, उसको लेकर जो अफवाह फैलाने वाले लोग हैं गांव-गांव में कि वैक्सीन लगाने से दीगर समस्याएं होंगी, उसको दूर करने के लिए डोर टू डोर महिला कर्मियों को भेजा जा रहा है, स्वास्थ्य कर्मियों को भेजा जा रहा है, प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लोगों को घर घर जाकर वैक्सीन लगाने के लिए उत्साहित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। दूसरी बात, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जो गाइडलाइन जारी होती है, WHO के द्वारा जो गाइडलाइन जारी होती है, उसका भी पालन करना आवश्यक होता है। तो उसके बीच की जो समय सीमा बढ़ाई गई है उसके कारण भी वैक्सीनेशन की स्थिति थोड़ी सी धीमी नजर आ रही है, क्योंकि दूसरा डोज जो है वो काफी समय बाद लग रहा है। ठीक। और रही बात स्पीड की, तो 18 से 44 वर्ष के लोगों को और जो बचे हुए लोगों का जो सेकेंड डोज है उसको लगाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है,
चलिए बने रहे आप हमारे साथ, आगे हम बढ़ते हैं। डॉक्टर आर के पाठक जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी क्योंकि आंकड़े ये बताते हैं कि 23 से ज़्यादा मरीज डिस्चार्ज भी हो चुके हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें कि ब्लैक फंगस को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोग दहशत में हैं, लेकिन अगर 23 मरीज डिस्चार्ज हो रहे हैं तो यानी कि हम ये मान लें कि इसमें जो पहले बताया गया था कि मोर्टैलिटी रेट सबसे ज़्यादा है, लोगों की मौतें काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, तो ये थोड़ी सी जो दहशत लोगों में बनी हुई है इसको कैसे आप दूर करेंगे? जैसा कि पहले भी करिश्मा जी मैंने कहा कि इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको जागरूक होने की आवश्यकता है और मीडिया को भी इसमें एक बड़ा रोल निभाना चाहिए। बिल्कुल। कि भाई हम ये लोगों को बताएं कि ब्लैक फंगस एक पुराना फंगस है जो हो सकता है, लेकिन इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसका मैं चाहूंगी कि आप कुछ और भी इसके सिम्टम्स बता दें, पूरे सिम्टम्स बता दें जो मुख्य तौर पे पाए जाते हैं। जी, जैसे आपके किसी आंख के आसपास दर्द हो रहा है, आप खास करके डायबिटिक पेशेंट्स हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई कैंसर है, आपको कीमोथेरेपी हो रही है, आपका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, आप डायलिसिस पे हैं और आप स्टेरॉइड ले रहे हैं, और उसके इन चीजों के साथ में यदि आपको आंख के आसपास दर्द होता है, नाक में ऐसा लगता है कि नाक बंद हो रही है, नाक से कुछ रिसाव सा होता है, सफेद है या लाल है या काला है, दांत कई बार ऐसे होते हैं जैसे दांत में अपने को लगता है कि दांत में दर्द हो रहा है अचानक, क्योंकि ये जो म्यूकरमाइकोसिस है ये मैक्सिला को ज्यादा इन्वॉल्व करता है, जिसको बोलते हैं ऊपरी जबड़ा और आंख, लेकिन इसका जो प्रवेश है वो नाक के माध्यम से ही होता है, क्योंकि ये वायरस पूरे वातावरण, ये जो फंगस है ये पूरे वातावरण में, हाँ, जिसकी इम्यूनिटी कम होगी उसको पकड़ता है, तो आपकी चाहे आंखें लाल हो रही हैं, आपके आंखों के मूवमेंट कम हो रहे हैं, आपकी पलक गिर रही है, आपकी नाक बंद है, आपको नाक बहती है, सिर दर्द है, अनएक्सप्लेन फीवर है, जो फीवर आ रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन अपन ने कर लिए उसके बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, और कई बार ऐसा होता है कि भाई ये सिर दर्द के साथ में अपने को उल्टी भी हो रही है, तो ये लगता है कि नहीं ये ब्रेन की तरफ जा रहा है, तो ये स्टार्ट नाक से होता है, इसको बोलते हैं राइनो ऑर्बिटल, और कई बार ब्रेन में चला जाता है, तो इसमें अपने को शासन प्रशासन को ये तैयारी करना है कि यदि ऐसे केसेस हैं तो उनको दवाइयों की उपलब्धता, जो अभी पूरे देश में देखा गया कि भाई ये एम्फोटेरिसिन बी इसका उत्पादन कम है, तो यदि आवश्यकता है तो हमको एडवांस में नई ड्रग्स कंपनियों को, जो नई कंपनियां उनको लाइसेंस देना चाहिए, इसकी उपलब्धता पर्याप्त होना चाहिए, ऐसा ना हो कि दवाई के अभाव में हम अपने मरीजों का इलाज ना कर पाए, और अच्छी सर्जिकल टीम होना चाहिए, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कम से कम ऐसा नेजल एंडोस्कोप है, उसके बाद माइक्रो डिवाइडर है, और एक एनेस्थीसिया के एक अच्छे एनेस्थेटिस्ट की टीम चाहिए, और एक अच्छा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट चाहिए, तो यदि ये है तो हम निश्चित रूप से इस पे विजय पा सकते हैं। हाँ, साइंटिफिकली इसका हम लोग बोलते हैं कि जो मोर्टिलिटी रेट है वो बहुत ज्यादा है, 50% तो 50% से ज्यादा मोर्टिलिटी है, कोरोना वायरस से ज्यादा मोर्टिलिटी जी, और कोरोना वायरस बहुत सिंपल बीमारी नहीं है, कोरोना ये अभी अपने को ये धीरे धीरे मालूम हो रहा है कि किस किस अंगों को प्रभावित कर रहा है, ये मतलब चाहे वो आपका पाचन तंत्र है, आपका श्वसन तंत्र तो पहले ही है, पाचन तंत्र है, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, आपकी आंखें हैं, आपका नाक कान गला है, आपकी चमड़ी है, सभी अंगों को प्रभावित कर रहा है, तो ये वायरस बड़ा अजीब सा बिहेव कर रहा है, क्योंकि म्यूटेशन कर रहा है जी। तो अभी वर्तमान में केवल हमारे पास एक उपाय है कि हमको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का उपयोग करना है, और इसके साथ में जो वैक्सीनेशन है उसकी रफ्तार को बढ़ना चाहिए, ठीक है, और वैक्सीनेशन के बारे में जो भ्रांतियां हैं, इसी से जुड़ा एक छोटा सा सवाल है, मैं चाहूंगी कि संक्षिप्त में आप जवाब दें, क्या वैक्सीनेटेड लोगों को भी ये बीमारी चपेट में ले सकती है? बिल्कुल, ये देखिए ऐसा है, वैक्सीन जो बनाने वाली कंपनी उसने बोला है कि नहीं भाई यदि आपको ये ऐसा नहीं कि यदि वैक्सीन लग गया तो म्यूकरमाइकोसिस नहीं हो सकता, म्यूकरमाइकोसिस हो सकता है ना, लेकिन वैक्सीनेशन इज प्रायोरिटी, वैक्सीनेशन तो आपको कराना है, आज की दुनिया में केवल वैक्सीन ही आपको कोरोना से बचा सकता है।
ठीक तो वैक्सीन लगाने की सबसे अपील मीडिया को भी करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। और हम तो लगातार अपने दर्शकों से यही कह रहे हैं कि वैक्सीन के प्रति जागरूक हों, जो भी अफवाहें हैं उससे बिल्कुल दूर रहे, शासन प्रशासन का यहाँ पे सहयोग करें। राजीव चक्रवर्ती जी, यहाँ पे विकास दुबे जी ने भी ये कहा कि जो तमाम नकारात्मक चीजें हैं वो फैलाई जा रही हैं, और जो दूसरी खेप जो आ रही थी वैक्सीन की, उसको आने में थोड़ी सी देरी हो गई, तो दूसरा डोज लोगों को लग नहीं पा रहा है। सीधे तौर पर ये कहने का मतलब कि केंद्र की तरफ से उतना सहयोग नहीं मिल पा रहा है जैसा कि कांग्रेस हमेशा कहती आई है। ये देखिए, ये हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, मेरे मित्र भी कह रहे थे कि भाजपा के लोग नकारात्मक कहते हैं, केंद्र के ऊपर आरोप लगाते हैं। आपने फ्रंटलाइन वर्कर को वैक्सीन लगाया, वो आपकी शाबाशी है। देखिए, चाहे 45 वर्ष के ऊपर का मामला हो या फ्रंटलाइन वर्कर को हो, केंद्र सरकार ने हमेशा से तवज्जो दी है। जो संघीय व्यवस्था है, हर राज्य को उसके कोटे के हिसाब से पहले भी वैक्सीन भेजा गया, बाद में भी भेजा गया। कांग्रेस का काम है, उसका राजधर्म है कि केंद्र के ऊपर आरोप लगा दो, वो अपने राजधर्म का पालन करनी है। लेकिन उसका जो हृदय का धर्म है, उसकी अपनी जो नैतिकता है कि वैक्सीन के लिए पहले से व्यवस्था कर लेना, केंद्र सरकार को रिक्वायरमेंट भेजना कि हमें अमुक स्थान पर इतनी वैक्सीन की आवश्यकता है। देखिए, राजनीति कौन करता है, मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन बोल रहा हूँ। स्वास्थ्य मंत्री जी ने किस प्रकार से कोवैक्सीन पर आरोप लगाया कि इसके थर्ड ट्रायल का वो नहीं, क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ, हम इसको उपयोग नहीं करेंगे, मुझे संशय है। जब पूरी दुनिया में कोवैक्सीन जा रहा था, उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री जी ने जिस प्रकार से इसका उपयोग किया, उसको कॉन्ट्रोवर्सी फैलाई, ठीक है, गलती का हर चीज में आप केंद्र। ठीक है, चलिए, अब पुरानी गलतियों से सबक तो लेना है ना राजीव जी, अब पुरानी गलतियों से सबक लेके तो चलना ही है। अब केंद्र के हाथ में वैक्सीनेशन की ड्राइव है, तो किस तरीके से अब छत्तीसगढ़ सरकार का इसमें सहयोग किया जाएगा? कंक्लूडिंग रिमार्क। बिल्कुल, सभी को आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करता हूँ कि हमको वैक्सीन और सोशल डिस्टेंसिंग, इसका सब जो तीन कारण है, मास्क पहनना, वैक्सीनेशन करना और हाथ धोते रहना, ऐसा ये तीन पे हमको सजग रहना होगा। और ब्लैक फंगस को भी हम इसी प्रकार भगाएंगे। निश्चित रूप से ये लड़ाई बहुत कठिन लड़ाई है, लेकिन इस लड़ाई को हम जीतेंगे। बिल्कुल, आपने सही कहा। विकास दुबे जी, छोटा सा रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगे। जी, सबसे पहले धन्यवाद राजीव जी की, किसी बात में तो शाबाशी की उन्होंने सरकार की। दूसरी बात, केंद्र सरकार से लगातार वैक्सीन की डिमांड हम लोग कर रहे हैं, और जहां 2.5 करोड़ वैक्सीन की जरूरत है वहां पे 7 लाख, 8 लाख, 4 लाख, 3 लाख ऐसा है। चलिए, कोई बात नहीं, प्रोडक्शन कम है तो हो सकता है ये भी नहीं दे पा रहे हैं। तीसरी बात, मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा, अपने राजीव जी से भी निवेदन करूंगा कि वाकई में सकारात्मक सोच सबसे पहले जरूरी है। किसी बीमारी को भयावह तरीके से उसके साथ व्यवहार करना, डरना, उससे अच्छा ये है कि आप सुरक्षित रहें, सजग रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथ धोते रहें। ठीक है विकास, इस बारे में जानकारी अगर ज्यादा फैलाएं नकारात्मक बातों की अपेक्षा तो ज्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल, और यही अभी समय की जरूरत है, और पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर इस पर काम करना चाहिए और यही मैसेज जनता तक पहुंचाना चाहिए, जागरूक यहाँ पे करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ब्लैक फंगस जैसी अगर महामारी को आपको रोकना है तो बहुत जरूरी है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना। घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही।